नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है बेसन वाली भिंडी की सब्ज़ी। तो बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है, उसको अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है। अब इसको हम बड़ा बड़ा सा लंबा काट लेंगे 3 हिस्सों में। अगर भिंडी ज़्यादा लंबी हो तो आप इसको 4 से 5 हिस्सों में काट सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरी भिंडी काट के तैयार की है। भिंडी को पानी नहीं चाहिए, नहीं तो वो चिपचिपी हो जाएगी। अब हम इसके लिए लेंगे, यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको लंबा लंबा काटा है। लहसुन की 7-8 कलियाँ, हरी मिर्च 3 से 4 और हरा धनिया। यहाँ पे हम भिंडी को मैरिनेट कर लेंगे, कोट कर लेंगे मसालों से। इसके लिए चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, आमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 और लास्ट में हम इसमें डालेंगे ऑयल, 2 छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे। इन मसालों को भिंडी को अच्छे तरह से कोट कर लेंगे। भिंडी को मसाले अच्छे तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इसके उसको हम 10 मिनट रख देंगे। एक तवे पे मैंने 3 छोटे चम्मच बेसन लिया है, इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब हमें एक बड़े कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेना है, उसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। प्याज नरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे भिंडी, मसालों से कोट की हुई भिंडी हम इसमें डालेंगे। और इस भिंडी को हम 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पे हम ढक्कन नहीं रखेंगे। जब भिंडी हाफ कुक हो जाए तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारी भिंडी आधी पक गई है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी डाला था तो हम अब थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। अभी इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको मिक्स करते रहना है भिंडी के साथ। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच बेसन यूज़ किया है। और 4 से 5 मिनट के बाद ये पक जाएगा। इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक पकाया है। और हरे धनिए से फिर गार्निश करेंगे। ये देखो हमारी भिंडी पक के तैयार है, खाने के लिए रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। एकदम अच्छी सब्ज़ी बनी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट पे बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।